25वां पारा खोले हैं, सूरह शूरा खोलिए, आयत नंबर 23। मैं तर्जमे नाल में कित में हैरान हो गया। वादा ला शरीक फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल-मवद्दता फिल कुरबा। शिकमे मादर तो मैं दिल खवान लगा कबर दी चार दीवारी तक। अगर मेरी नेमत खा पी के हलाल करना चाहना है तो एक ही तरीका ही, 5, 12, 14 नाल मोहब्बत की थी या खा दिया ते पी दिया। बोलो हैदरी मेहरबानी बेटा, अल्लाह जिंदगी दराज है के मेरा अल्लाह कर यार। मैं मुकाम आ चुकी, जुलूस भी है, मातमदारी भी है, मेहरबानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मैं के मेरा अल्लाह कर, मैं आले मोहम्मद नाल मोहब्बत ना करा तो फिर फरमा रिस्क तेरा बंद नहीं मैं करांगा, तू अपनी इबादत कबूल नहीं करांगा। मालिक क्यों? फरमाया मैं अल्लाह मेरी मर्जी। मालिक नमाज तेरी पढ़ी आले मोहम्मद की तो नहीं पढ़ी, रोजा तेरा रखे आले मोहम्मद का तो नहीं रखे, सजदे तीन किते ने आले मोहम्मद तो नहीं किते, पुत्र तू दिते ने, दिवे तू दितियां ने, सेहत तू दिती, नेमत तेरी, रिज्क तेरा, खादा मैं, गल तेरी मेरी। इबादत की कबूलीयत की शर्त मोहब्बत अहले बैत क्यों रखी है? फरमाया हुण पता लग गई सजदे मेरे ने पुले सरार ते मैं आप नहीं बैठिया, अली नूं क्यों बिठा रहा? मेहरबानी कर आप वो या अपने मामून बिठा, इमरान ते पुत्र उठा उठी क्यों? मैं कह मेरा अल्लाह साडे को प्यो दादी उन्हां नाल तल्लुकात ठीक नहीं आ रहा, भाई बाजे बदियां दी मेडिकली प्रॉब्लम है, नहीं मन सकते। बोलो यार मेरे नाल, मेरा अल्लाह नमाज तेरी है पढ़ी असी है, त्रीजा घर विच आले मोहम्मद दा विच क्यों पालो? बुलाया मलकामा दे ते न्याज में किबला मुकद्दसी साहब को ले गए। गल मेरी ते बानी दी है, बुलाया ते मिल दियो लंगर पानी, मेरा लग गल तेरी साड़ी आई, ये त्रीजा घर आले मोहम्मद दा विच क्यों पा ले? उन्होंने बारो बार क्यों नहीं राजी होता? फरमाया मेरा बंदा अगर मैं उन्होंने बारो बार अपने सजदे कबूल कर जाऊं मैं आदल नहीं रहा। की अदालत होंगे? फरमाया ये नमाजा कितों लग जिन्हों की वजह तो मैं ब्लैकमेल पे करना है, शरीती ब्लैकमेल रहा नमाजा दे दिल ते जन्नत जान आ रहा। कितनी को पढ़िया ने? 70-80 साल, 900 साल पढ़िया ने। जे मैं नमाजा में के ब्लैकमेल होंदा तो मैं 6 लाख साल का नमाजी जहन्नम ना डोर रहा। मालक क्यों? फरमाया मेरे सजदे तेरे तक किस पहुंचाए? नमाज कित्थों लई आ? जी मोहम्मद वाले मोहम्मद आखे फिर मैं उन्होंने तो मैं मोहब्बत मंगी। एक रात उस कुरान शरीफ खत्म की थी, मैं तलावत तो मुतासर हो गया, कभी कुरान की तलावत तेरे तक ना पहुंची। ये नवासे रसूल लोके से नाम थे करबला तू शाम तक कुरान ना पढ़ा। मैं एक हज वाजब की थी तू 6 कर ले, मैं तेरे हजा तो मुतासर हो जा। कदी बैतुल्ला हाजिया तेरे वास्ते निशानी ना बचती, जे 8 दिल हाजी शब्बी रोंदी हुई बहन लेके ना निकल। तेरे घर 4 औरतां ने,
माँ बहन बेटी बीवी ये चार औरतें वे खड़ी चार ही कुछ हैं एक किस तरह से इसराइल हराम ने एक हलाल है जिन्हें तेरे मुकद्दस रिश्ते की पहचान करवाई है उन्होंने मोहब्बत में तेरे को मंगी क्यों नहीं असं यजीद मनते कभी नहीं मनेंगे असं यजीद मलाउन ते लानत करांगे यजीद आदे ही चार एक को जिन्हें ने हुसैन आके दसे त्रै हराम ने ही हलाल दीन वे के तेरी अखें हया आ जाएगा जी आ जाएगा फिर मैं तो फिर मकरूह ज्यादा हूं तेरी बेटी चादर कर रही है जी सर पे चादर मकरूह ले तू हुसैन सुन्नी शिया बन के ना सुनी खुदा वास्ते उम्मत बन के मेरा जुमला सुन 18 साल दी तेरी धी है 20 साल दा तेरा पुत्र है एक बेडरूम में इकट्ठे सोते ने दूजे कमरे तू क्यों मुतमईन क्यों नहीं तेरे ज़हन च नेगेटिव ख्याल क्यों नहीं सोचता जवान ने एक बेड से सोते तेन दूजे कमरे जिस मुतमईन सामान दिता है ना उस इत्मीनान दा ना हुसैन उस तेरे अंदर जाके तसल्ली कर देती मुतमिन सो जी मैं जामे ना सुबह उठन के बहन बहन उठेगी भिरा भिरा ऐ जुर्मे आले मोहम्मद क्यों ना तू दूर है तू क्या तू मकरूज नहीं हो सैन का क्या शबीर का बचाया असूल तेरी चार दीवारी के अंदर नहीं पहुंचे तेरे शऊर च किस तरह से है ये मां है ये अलिंग नहीं वेखना ऐ बेटी ये दिन अलग गल नहीं कर उस मोहसिन इंसानियत का नाम हुसैन है हुसैन करबला शियत नहीं बचाई इंसानियत बचाई अगर तू इंसान है मकरूह है तो हुसैन और मैं उन्होंने सुनत भाइयों फिर आज अकीदत पेश करांगा हनीफ कुरैशी का मैं वीडियो तो नहीं वेख्या है उसे कहे खबरदार यजीदी यदि आड़ी चसी अहले बैत दी तौहीन बर्दाश्त नहीं करा ऐ है अहले सुन्नत दा उसे कहे नहीं असी आशकाने अहले बैत और आशकाने सहाबा असी कदी अपने मुल्क की यजीदियत दे जिंदाबाद दे नारे नहीं लगाते किस मुंह नाल मुसलमान तो यजीद नु जिंदाबाद आखदे इस तेरे नबी का घर नहीं उजाड़े इस तेरे नबी दे पुत्र नु कतल नहीं किया इस तेरे मुस्तफा दी बेटियां नु 9 घंटे बदमाशा च नहीं खिलवाया किथे गया तेरा जमीन किथे गया तेरा इस्लाम अल्लाह इस घर दी मोहब्बत मंगी आई मुसलमान ने बहुत मारा बहुत तुम पता है एक करबला पत्थर कोई नहीं सहरा है ये बटे कितू आए यारा मुहर्रम अली दी धी कोणिया नाल हटाए इतने कोई नहीं पता ये पत्थर कितू आए हर कबीले चली दी दुश्मनी आई ये शुतर कीना लोग मुसलमान हो गए तो तू कलमे पढ़ के अंदर अंदर अली दा बोझ रहा इन्हें फिर छत्ती मुल्क चलान की तई जिन्हें जिन्हें बदले लेने जे ओह ते बदर दे फाते दिया दिया असी लें दिया असी दे पुत्र दिया घेर के करबला ले यारा मुहर्रम दी सुबह उतरे बेड़े वटियां दे पुंछ फरात दी कदी ते लगे उन्हें आखा साडे कबीले दे बंदे भी अली मारे आ किथे ही उहदा पुत्र असी बदले लैणे उन्हें आखा असी कल दा मार दिते हुण आखे ते असी फिर किधर जाइए किथे मारे जना कौन नौ टुकड़े पे मेरा सुनी भाई मैं सैयद समझी मैं मैं कुरान दी कसम है इन अली दे पुत्रां दी लाशां ते खलो के वटे मार इन फिर अली दे पुत्रां नु मारन दे बाद मार इन फिर कसरा लई अली दी अली दी ने इनु कितना मारया 8 नबी लगभग मदीने आई है
53 ਚੋਂ 3 ਲੈ ਕੇ 120 ਮਸਤੂਰਾਂ ਚੋਂ 12 ਮਸਤੂਰਾਂ ਲੈ ਕੇ 84 ਬੱਚਿਆਂ ਚ 9 ਯਤੀਮ ਲੈ ਕੇ ਨਾਨੇ ਪਾਕ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜਾਨ ਮੈਂ ਦੱਸਣ ਆਈ ਹਾਂ ਦੀਨ ਬਚ ਗਿਆ ਨਾਨਾ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨਾਨਾ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਗਈ ਹਾਂ ਸ਼ਾਹ ਹਾਏ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹਨਾ ਸੁਣੀ ਕਿਤਨੀ ਹੋਸ਼ੀਆ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਲਾ ਤਾਰੋ ਕੇ ਕਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪਈ ਦੇ ਨਾਨਾ ਦਾਵਤ ਜ਼ੁਲ ਅਸ਼ੀਰਾ ਤੋਂ ਫਤਹ ਮੱਕਾ ਤੱਕ 23.5 ਸਾਲ ਬਣ ਗਏ ਨੇ 23.5 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਹਨੂਦ ਮਾਰੇ ਨੇ ਯਹੂਦ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਾਫਰ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ 23.5 ਸਾਲ ਪਿਓ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ੈਨਬ ਕੱਲੀ ਛੱਤੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਨਾਨਾ ਉੱਠ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਨੇ ਮੈਂ ਹੰਫੀਆ ਫਿਰਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾ आओ मेरे अहले सुन्नत भाई अपने मुल्क की हिफाजत करो प्लीज एक हो जाओ सुन लीजिए इन तकफीरियों को बिच ना दे ये एजेंसियां दे जर खरीद लोग ये लालची दरिंदे ये उन्हां दी नस्ल है जिन्ना करबला पैसे लेके अली दे पुत्रों नूं मारे खुदा वास्ते कल नबी नु मुंह विखा की नबी तुम्हारो बार जन्नत में क्यों की आखोगे यार सोला से तेरे पुत्रों दे कातलों रजी अल्लाह को छे कातल भेजे ने इना लालच दिते मैं कमेंट करा जा रह दिया जगीर ले ले इसनु मार रहा रह किबला जानते ने तेहरान का इलाका है मैं किबला गया तेहरान मैं दसिया ने जी ए इलाका रह मैं रोडा तो गुजरता बहुत रोंदा रहा है टुकड़ा जी दे पिछे रसूल दे पुत्र नु मार दिता इंसान बेसकरी लालची जा उस नु मार रहा एक कातल वापस आया क्यों ना मारिया उसा क्या उसे मेरे नाल गल हुसैन दी की थी उत्थे ते नबी पाक दी वलैल वाली जुल्फां खुली गई मैं वेखे रसूल दी झोली हुसैन दा सारे मैं किवें मारू दूजा कातल आ गया झूठ पे मैंने दी तलवार में ਇਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤਿੰਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਸ ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖੁਦਾ ਅਲੀ ਬੈਠੇ ਮੈਂ ਨਬੀ ਤੋਂ ਡਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਤ੍ਰੀਜਾ ਆਦਾ ਔਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਬੀ ਹੋਇਆ ਅਲੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੀ ਮੈਂ ਮਾਰ ਕਿਆ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਪਾਕ ਦੀ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਮਰ ਇਬਨ ਸਾਦ ਸ਼ਿਮਰੀ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਸ ਕਿ ਨਬੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਨਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਆਵਣਾ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਖੁਲਾ ਮਾਂ ਝੋਲੀ ਸਾਦ ਰੱਖ ਕੇ ਪਿਆ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹ ਕਾ ਪਾ ਲਿਆ छे कातलों के बाद गैरत एक दूजे के मोढ़े से हथ रख के पे कौन इस मारे अचानक एक बंदा गुजरे इको ही चो चोला पाया उस ईसाइया का लिबास सब तो पैरा तक ईसाई ने जी हाँ हाथ च के यूसुफ है जी मरम पट्टी की किंदी कबीले का सरदार जख्मी है उसने मरम पट्टी की उस छोड़ दे समान जराहत ते नितना देंगे तेरिया सत नसल तू नहीं मंगे क्यों इनाम दें दे मुसलमाना जी ने वो सा बंदा मार किसन सख्या लाशा दे आदमिस्कार टिब्बे दिन वे कहते ये जिंदा है एक बेगैर तो एक कहता मारो दम दे गया जदम दी अकबर की लाश चाक छोड़े ओद छुड़ाने वाला कोई नहीं सन रोकने वाला कोई नहीं मुंह मंगा इनाम ले लिया सन बंदा मार दे कहते नहीं 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 मैं तो इंसानियत का खून बंद किया है मैं तो किसी का खून किया नहीं है तो तुम मारो थोड़ा दुश्मन मेरा तो दुश्मन ही नहीं शिमर खुदा इस लानत करे कि मकार यार वे कहता है साड़ी मजबूरी होगी मुसलमान है असली मुसलमान हाँ इस्लाम इच मुसलमान का कतल मुसलमान दे हराम तू ईसाई अगर तू मार दे तो तेरा मुंह मंगा ही ना अद ना चाहद मैं हाँ कर लू अद मैं समझ नहीं आई मैं हाँ क्यों की अद फौरन मैं खंजर शिमर दे सके खंजर जा इधरों ये टुरया मैं वैन करा उदों काली कनात नाल खलोती सईदां दी मौसम फिजा
जरा काकल जाती ने जाके आली अंदर दी हुसैन हूं फुलहां जा रहे हैं, हूं फुलहां जा रहे हूं वापस आ गया, उसको नहीं मान रहा। ये सारी रिपोर्ट कर रही है जनाब फिजा कि जो ईसाइया ने लिबास पा के ईसाई तुरे हैं हूं फिजा का चेहरा लै गया आलिया के मुसले के सामने मत्था मिट्टी से मार कर दी हूं कौन सो बचना। क्यों फरमाया कि कोई रसूल का हया करता ही बतूल का हया हूं वह जा रहे हैं वो तो है ही ईसाई। ईसा का नाम आया वाह कैंटा लिया रुन्नी है रो कदी नहीं अम्मा ईसाइया तो नहीं मरला। क्यों फरमाया कल मुबाद जिन्ना मेरी मां का हरा का हया ईसाई तो नहीं मार सकते नहीं अम्मा का। वो कैफियत की आलिया दी मेरे पढ़ने च नहीं आएगी, कैफियत लफ्जों में नहीं पढ़ी जा सकती। अगर तुम फील करो तू साडी मौसम है तू साडिया लालियां रुलियां जिवें सखियां रुलदियां। जनाब फिजा दी मैं दसां जाके मां का हाथ चुमकिया दी अम्मा असि किसी बगैर रिश्ते देने नहीं बुलाते तू वाकई मेरी मां मैं मत तेरी इज्जत मावा जितनी कर मैं कभी तुन बार ना टोरदी जे कोई मर्द बच जाता अम्मा जे बुरका बाकी जाओ मेरे रस्ते खलोवो जिले थोड़े को गुजरे सलाम करना जे सलाम का जवाब देवे तू ना आखना जिन मारन जा रहे उन्दिया बहन बुलाया। कभी दो मिनट वास्ते काली कनाब के नेड़े आवे मैं प्यो नाल ना ही बोली मैं ये नाल जरूर बोल सकता मतलब मेरे बोलन नाल मेरा हुसैन बचे। एक बार मेरे वेखो मैं बहन शुरू करा ये बिला तशरी इस पासू एक कैस नसरानी आ रहा है इतने हुसैन है इन्ना खेमे चु जनाब फिजा इतने आ गया अंदाजा मुझे रस्ते जित गुजरना है ये हाथ च खंजर ही टुरदा हुसैन वाले गल ईसा नाल करदा है खुदा बंदे यसु मसीह मैं जिसनों मारन जा रहा मैं ठीक हाँ कोई शरीफ ना मेरे हथों मार दे अगर तू हाजिर है तो मैं दस दे मैं वापस पलट दा किसी शरीफ का घर ना मैं उजाड़ दिया तुरदा टुरदा टुरदा ए जी अल्लाह मैंने इन सामने बुरका पोश से निगाह पाई इंज वेखे तो अपना रास्ता बदल है आए तेरी निकल जाएगी। किताब वाला लिखता है परदादार वेख के रास्ता ता बदले ईसाई आई बेगैरत नाई इधर रास्ता बदलना ही या सही ना दी मौसम फिजा तलियां मालिका दे हुण के करा रस्ता पे बदल दे अपने अपने बोल मदद तेरे बोलन नाल शफीर बचे। पहली बारी मलका हबशुचा बोली बुरके दे अंदर मथे ते हथ रख दी नसरानी मेरा सलाम होवे सलाम दे लहजे जितना असर है उथे रुक गए परदादार मेरा भी सलाम तेरा लहजा दसदा किसी शरीफ खानदान दी बुरके बगैर बार नहीं आई इतनी परदेदार हो के मैं गैर महरम ना काम आई मर्द भेजना आई फिर मैं उदन आई हाँ जदन मर्द मारे गए की गल जे फिर मैं पूछन आई हाँ किथे जा रहा था उसनु मारन बीबिया जी तो जुर्म की अदा लालम मैं कोई पता नहीं बीबिया जी तो जुर्म नहीं क्यों मार अदा मैं किसी शह का लालच लालच का नाम आया आदि जरूरी उसनु मार नहीं उदे छुड़ाने वाला कोई नहीं अगर मेरे नाल इस काली कनात तक आवे मैं वादा करनी है तेरे लालच पूरे हो जाएंगे। मुतसर उस वेले होया जिस वेले आदी है मैं जिन्हों की नौकरानी है ना असी झूठ कभी नहीं बोला हैरान हाँ लोग कहते हैं जिन्हों की नौकरानी एड्डी वड्डी शरीफ दादी मुतसर हो के फिजा के पिछे तुर पाया मैं दया फेर पड़ गया ए सदे मुतकद्दमीन ज़ाकरीन बुजुर्ग ये जुमला इन पढ़ते हैं टुरदी दो दो कदम है रुक रुक के पीछे मुड़ के वेख मेरे आवन तक तू इत मैं बहुत जल्दी वापस आ मैं उन्होंने कनीज हाँ जिन्हें झूठ कभी नहीं बोला मैं वादा करनी है तेन मारना ना पोसी एक गल करके फिजा दी मैं वेखे ते हिसाई मिट्टी ते बैठ चुका रेत उत्ते बैठ चुका फिजा दी मैं तेज कदम चाह के अंदर गई हूँ मुके मेरी मजलस
आदि क़यामत का मंजर है जिधर मैं बुलान गई आई खेमे इकली ज़ैनब आदि में वल्ले आई इकली नई चमेट मस्तूर दीवाल खुले क़यामत का मंजर आई सारिया बीबिया दे दुआ दे हाथ बलंग लाना लिया मुसल्ले ते पे याद आई माया मंगो दुआ शाला आंदा पियो यार दिया बहना ले बैठे हो जिस बहन पता लगे मेरा लालच पिया मरी उस बहन की केड़ी कैफियत हो सी लालच का नाम आया कोई मेरी पर्देदार बहन जुमला समझेगी जेडियां गरीब होवन भर जाइया गयात नहीं करती है ले दीदी मैं जिक्र दी कसम है पहली बारी फिजा दी है मैं दिठे अली दीदी दे हाथ भर जाइया दे सामने जुड़ गए माहौल दस किसे मासूम दी आमद मैं तुहाडे मिजाजां दे जुमला पढ़ा फिजा दी सारिया लहाए ने जेवर लहाए ने मैनु हुसैन दी 4 साल दी धी नजर नहीं मैं दसदी मेरा हुसैन कितना
سمجھیو سس اچھا میں او دینی سجے کبے وی کیا دی قابض قلم دعا دیو اج پہلی واری غازی دی واد علی دی دی قلم کلتا خط پہ لکھ دیے از کربلا الہ اخی محمد حنفیا تلے پہ لکھ دیے انا للہ محمد بھرا میرے سارے مارے گئے اللہ حسین رہ گئے بس پہ لے نہیں آئے بندہ قتل کر چلے ان میں خط دے کے پہ بھیج نہیں منت پہ کر رہی ہیں جتنا حصہ توڑیاں پیکیاں جاگیر ہیں جیسا بہنا دا بن لو ساڈا حصہ ہے مجھے امت بھرا بچ داوے جے میرا پیکا حصہ تھوڑا سمجھے خط دے کے آن دے بابے الگور میں چاچے جائے عبداللہ نو آکھنے جتنا توڑیاں جاگیر ہیں میرے پتران دا حصہ ہے محلے بنو ہاشم سن کے نبی دا روزہ سن کے ہل گیا دل ادے نہیں نہیں معاف کرنا میں دنیا نہیں چاہیے میں تے کسے اور شے دا لالچی ہاں میں تے آخرت چاہیے ہوں پھر جا واپس آ گیا دی او پیا دے میں دنیا نہیں میں آخرت چاہیے آخرت دا نام آیا ہے ہوں سجے کھبے ویکھ کے دی کتھے گئی ہے غازی دی بہن او جنہ گھر تے غازی دا علم رقیہ دی آواز آئی ہے میں حاضر فرمائے جنت دی رسید بنا جنت دی رسید بن گئے لے اما فضا او نار دنیا وی لے لے جنت وی لے لے سامنے رکھ کے پیا دی او پیاں دی یعنی کریم شے دے کے نہیں لے سیور وی تیرے جگیراں وی تیریاں جے تھوڑی تے جنت لے لے جنت کتے فضا دی اے رکن پیج لکھی نے کس لکھی ہے کوئی میری شہزادیاں لکھی ہے ماتمیاں من منبر دی قسم نام آیا منہ دے باہر مٹی تے جھڑ گیا دے ضعیفا سچی دسی جڑی جنگل چ بہ کے جنت پھیاں دے دیا نے کوئی مدینے والے محمد دیا نے فضا رو کیا دیے مرضی اپنی کرنی آئی کالیاں کما تک مدینے والے مرحبا مکے میری مجلس میڈیا ڈیڈمنٹ دیکھ رہے ہیں مدینے والے محمد دیا دیا دا نام آیا گچڑی چھٹ گئی ہتھوں جگیرہ ہتھوں خنجر ڈگ پیا عیسائی نو سلیب بہت پیاری آئی ان کر کے اپنا چولا پاڑیا سجی ٹوٹ گئی سلیب ڈگ پی پگ لا کے بھجدا ڈھانڈا اٹھیندا اتھے آیا جتھے کائنات زدماں دا نشانہ چو پاس لاشاں نے درمیان پتراں بھراواں دی ماں دا مقبرا قبضہ تلوار تے متھا رکھ کے پیادا صبح ہون تو سن ربنا رب الملائکہ تے روح عیسائی مٹی تے متھا مار کے دا او غریب سانچا سفارش محمد دیا دیا پہ سیدہ رجی آیا قیس کون ہے تو کیڈا نصیبان ہے تیرے واسطے محمد دیا دیا زیور لایا نا دست کون ہے سیدہ دا جان ہے مبالا آدھا جان ہے چبی ذل حاجی میدان مدینہ آئی نجران دے عیسائی نال محمد عربی مبالا کیتا ہے جدر محمد عربی مدینے چو نکلے آن ایک پتر چایا ہویا یہ گری انگل پکڑی ہویا آئی تردہ
ਠਕਾ ਦੇ।